सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। अरुण भाई जैसा गए ना वैसा ही कर। एक बात कहूं, मैंने एक पिक्चर देखी थी, हाँ छोटी सी बात, उसमें अमोल पालेकर था। मैंने भी देखी थी और मुझे लगता है कि हमारे ये भाई बिल्कुल अमोल पालेकर। उस पिक्चर में अमोल पालेकर की कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी, कोई नहीं, लेकिन अशोक कुमार ने जब उसे तालीम दी ना तब वो स्मार्ट, सुपर स्मार्ट। हमें भी इस इंसान की पूरी डिजाइन बदलनी होगी, रंग रोगान करवाना पड़ेगा और मुझे तो लगता है कि खर्चा बहुत होगा साहब। अरे घर में कोई है क्या? नहीं। क्या हुआ? अरे कहाँ गया, कहाँ गया ये? ये भाग क्यों गया? कहाँ गया ये लड़का भी? पता ही नहीं चलता। Excuse me, मैं यहाँ किसको मिलने आया हूँ? लो, शबनम भाई भी आ गए। चलो मैं चलूँ, लेकिन मुझे इस मिशन में आप सब लोगों का साथ चाहिए। हाँ मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे ये हमारे लिए तो है। हाँ एक काम करते, चल के अंदर बैठते, कुछ प्लान आउट करते, ठीक है? ओके ठीक है सर। आइए आइए शब्दम भाई, सीटिए, पानी ड्रिंक किए। क्या करूंगा ड्रिंक के, यहाँ कोई महत्वपूर्ण काम के लिए आया था, लेकिन किसका काम था और कौन सा काम था वही याद नहीं आ रहा मेरे को। मगर हमें याद है, सब कुछ याद है। चार सीढ़ियां चढ़ के और चार सीढ़ियां उतर के आया, उसी में भूल गया। पर आप लिफ्ट से क्यों नहीं गए? मैं पहले लिफ्ट से ही गया था, लेकिन मेरी साड़ी बीच में रुकी ही नहीं, सीधी आठवीं मंजिल पे चढ़ गई, वापिस एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया तो वहां क्या दिखा मालूम है? क्या दिखा बॉस? वहां पे छत। अरे शबनम भाई, सबसे ऊपर छत ही होगी ना? हाँ वहां पे कोई बेसमेंट थोड़ा बनवाएगा। हाँ लेकिन पूरी छत घूम के आया। क्यों क्यों? आपका मकान ढूंढने के लिए। फिर मिला? मिला होता तो मैं यहाँ क्यों होता? शबनम भाई, आप घर से निकलते हैं तो काम का पूरा लिस्ट बना के निकलते हैं। ये तो रुमाल है। लेकिन ये रुमाल में ही कमाल है। रुमाल में लिस्ट है? लेकिन हमारा लिस्ट जरा हटके है, हटके। ओके तो श्रीमान हटके, दिखाइए तो सही कैसी है ये आपकी हटके लिस्ट। ये रहा रुमाल और ये रही इसकी गांठ। ये क्या खलास? क्या हुआ? इसमें तो दो दो गांठ है। तो क्या हुआ? अभी पता कैसे चलेगा कि कौन सी गांठ किसकी है? चलो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाती हूँ। दिखा, 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 दिखा। चलो हम अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं। क्या मैं छोटा सा नन्ना सा बच्चा हूँ, अभी क्या अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे? जब हम बच्चे नहीं होते तो बच्चे से कुछ कम भी नहीं होते। याद आया, याद आ गया, आ गया, आ गया। कहाँ है बॉस? याद आ गया, आ गया। बॉस? बॉस क्या बॉस? यहाँ तो और कोई बॉस का चमचा है। अरे वो यही है। रिंग बजी, रिंग बजी। कहाँ से बजी? वो तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। लेकिन ये मोबाइल की तरह क्यों बजी? वो क्या है कि हमने वाइब्रेटर मोड पे नहीं रखी ना, इसलिए। ऐसा पहली बार सुना, घर के लैंडलाइन फोन भी वाइब्रेट मोड पे रखे जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, रख सकते हैं ना। ये कब से शुरू हुआ? ये कंपटीशन में टिकने के लिए अभी अभी बीएसएनएल वालों ने ये फैसिलिटी देनी शुरू की है। बोलो, मेरी मोहिनी टेबल पे टेलीफोन रखती है। हाँ उस पे वाइब्रेटर का पता नहीं चलता। क्या बात है, आप तो महान है, आपकी बात सही है। दक दक, दक दक, दक दक, दक दक। फोन? चंदू मुझे अभी फोन करना था क्या? मुझे इमरान बताया ना अगस्त महीने में मैंने कि 300 नंबर के फॉर्म मेरे पास नहीं है। अरे मैंने तो बदले ही बंद कर दिए है, मैं रखता ही नहीं हूँ। मेरी बात सुन, अभी अभी मैं फंसा हुआ हूँ यार। नहीं नहीं यार, वो फॉर्म को क्या मेरे मेरे को सब चीज धोखा डालना है क्या? अरे नहीं, ये बोला ना। देख चंदू,
मेरी बात सुन, अभी है ना मैं रिलीफ रोड में ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अरे भैया नहीं, ये तुम्हारा दोस्त रिलीफ रोड ट्रैफिक में नहीं है, वो उसके घर में ही छुपा हुआ है टेबल के नीचे। क्या एक काम करो, उसको ही पूछ लो। बाहर निकल। अपने काम की बात कीजिए ना। मेरे काम की बात? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल एक्सचेंज ऑफर में जो तुमने टेलीविजन दिया था ना, वो बिगड़ा हुआ है, बेकार हुआ है। बार बार एक ही सीन आता है, कभी बारिश आती है या कभी तूफान आता है। और बारिश भी कैसी बारिश, फिल्म की बारिश में तो हीरो हीरोइन साथ साथ होते हैं, लेकिन ये बारिश में तो हीरोइन ही नहीं है। बोर हो जाते हैं हम लोग, बोर हो जाते हैं। होते होते अच्छे अच्छे लोग बोर हो जाते हैं। अपने एंटेना का वायर लगाया था, वो क्या होता है? सिर मिला। अभी आप है ना, मेरी बात सुनिए। हाँ, मेरी बात सुनिए। आपका जो वो 29 इंच का टीवी है ना, वो हमारे वहाँ छुटाइए, पर हमारा 21 इंच का टीवी आप आपके वहाँ ले जाइए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। शबनम भाई, मुझे लगता है आपको रणछोड़ भाई का कुछ दूसरा ही काम था, आपके हाथ में गलत गांठ लग गई। मुझे मालूम ही था ये दो गांठ के लिए जरूर कुछ लोचा होगा। जरूर कुछ लपड़ा होगा। आप एक काम कीजिए, आप हमारे बाथरूम में जाकर आए, शायद शायद कुछ याद आ जाए। जाइए बाथरूम में, जाइए बाथरूम। हाँ बाथरूम। आपके घर के बाथरूम में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वो बाथरूम, वो कुंडी, याद आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। जाओ जाओ। नहीं, आपके बाथरूम में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कैसा आलू बनाया मामी? ये रणछोड़, ये सब क्या हो रहा है? अभी तक तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है। भैया हमारी ब्रांच में कई चैप्टर तो दिनों तक चलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, भगवान के चरणों में आप नारियल की प्रसादी चढ़ाओ, उसके बाद में आपकी पूजा शुरू होगी, और फिर पुजारी अपनी पूजा शुरू करेगा। ओम मेडिकराय नमः, मेडिकल के बाद में ओम एसटीआय नमः, उसके बाद में ओम कोलेस्ट्रॉलाय नमः। यजमान, घर में पीला कपड़ा होगा। पीला कपड़ा? यस, सत्यनारायण भगवान की पूजा में पीला कपड़ा बहुत ही जरूरी है। किंतु महाराज, ये पीला कपड़ा मिलेगा कहाँ से? एनबी में तलाश करे, SGA के लॉकर में तलाश करे, मगर इस पीले कपड़े के बगैर यजमान को पुण्य फल मिलने का कोई योग नहीं है। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। किंतु महाराज, ये पीला कपड़ा है क्या, कहाँ से मिल सकता है? अज्ञानी बालक इतना भी नहीं जानता, नर्क में जाएगा, उल्टे सर लटकेगा, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में गिरेगा। अभी सुन ले, पीला कपड़ा यानी SPQ001 का पीले कलर का फॉर्म। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। ये पीले पान के खत्म होने के बाद एक पुष्पक विमान इस ग्रह से उस ग्रह की ओर प्रयाण करेगा, फिर उस ग्रह से इस ग्रह में वापिस आएगा, फिर उस ग्रह से इस ग्रह में जाएगा। ये ग्रह वो ग्रह, वो ग्रह ये ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह। किंतु महाराज, ये कब तक चलता रहेगा? मनुष्य मात्र निमित्त है। अब ऊपर के ग्रह से यह पेपर ORDB की गति को प्राप्त करके नीचे के ग्रह में वापिस आकर स्थित हो जाएगा, फिर भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों में 50 रुपए का बैलेंस चढ़ाया जाए, और ये पत्ता अपनी जगह से न हिले इसके लिए 5 रुपए का कोरा सिक्का माताजी के चरणों में चढ़ाया जाए, और उसके बाद ही अपने भगवान अपने इष्ट देव का मन में स्मरण करके आखिरी बैलेंस भरवाया जाए। बोल श्री सत्यनारायण
की जय। लेकिन महाराज ये सब क्यों? डेटिंग बैंक का इंटरेस्ट। लेकिन अभी अभी तो आपने 50 रुपए रखवाए। अज्ञानी अबोध बालक, भगवान सत्यनारायण की पूजा में तू बहुत ही प्रश्न करता है। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा में रुपया 2 रुपया चढ़ावा चढ़ाने की प्रथा अपने ऋषि मुनियों के जमाने से चली आई है। उस प्रथा को जो तोड़ता है या तोड़ने की कोशिश करता है वो इस जन्म में तो क्या, उस जन्म में भी फल का प्राप्त नहीं कर सकता। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। लेकिन महाराज इसके बाद तो कथा खत्म हो जाएगी ना। महाप्रसाद को अभी देर है, अभी कथा खत्म नहीं हुई। HD और कंसेंट का निवेद नहीं धराए तो कोई भी कथा कोई भी पूजा पूरी हुई नहीं गिनी जाती। और इन सब करने के बाद भी ग्रह और नक्षत्र सही सही चल रहे हो और गलती से नंबर सही लग जाए तो कथा संपन्न होगी। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। अब यदि भाग्य में ग्रह नक्षत्र चंद्र और तारे सही सही चल रहे हो और नंबर लग जाए तो यह पूजा संपन्न हुई गिनी जाती है। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। पर महाराज महाप्रसाद कब मिलेगा? यदि यजमान के भाग्य में धनयोग प्रबल है और गलती से कोड नंबर भी सही लिखा गया है और ब्रांच के सारे कंप्यूटर्स भी सही सही चल रहे हैं तो हर महीने की 1 तारीख को कमीशन रूपी महाप्रसाद मिलने के योग है। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कमीशन रूपी महाप्रसाद बाहर बैठे हुए कुत्ते चार जाए तो ये यजमान का भाग्य, उसमें भगवान श्री सत्यनारायण कुछ नहीं कर सकते। बोल श्री सत्यनारायण देव की जय। अब सब आरती की तैयारी कीजिए। धन्य हो महाराज, धन्य हो। मेरे साथ गाइए बीमा मैया की आरती। जय बीमा मैया, बोलो जय बीमा मैया, तुम ही हमारी तारक। जय बीमा मैया, मेरे वहाँ लड़के पे लड़के आने लगे हैं। किसको? क्या किसको? मतलब तेरे यहाँ इतनी बड़ी उम्र का कोई है नहीं और तेरी भी शादी अभी तक बाकी है तो फिर किसको? रणछोड़, मेरा मतलब है मुझे देखने लड़के पे लड़के आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आने दो आने दो। क्या आने दो? अगर किसी को पसंद आ गई तो रह जाओगे हाथ मलते। नहीं आओगी पसंद, चिंता मत करो, किसी को पसंद नहीं आओगी। क्यों? क्यों नहीं आओगी पसंद? अरे क्यों क्या, याद है ना पहले 6 महीने तो मुझे भी कहाँ पसंद आई थी। रणछोड़, ये तेरे छिलके उतार दूंगी। हाँ, पिछले जन्म में कारपेंटर दी क्या? जा, अब तो मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर लूंगी। नाराज हो गई परी। ठीक है परी, तू मुझे ये बता के तुझे कैसा पति पसंद है? बताओ। मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो 24 घंटे मेरे पास बैठा रहे। फिर क्या, वो मेरी आँखों में आँखें डाल के बैठा करे और मैं उसको टीके देखा करूँ। अच्छा, तो मान लो कि अगर अपनी शादी हो गई तो अपना मेन बिजनेस यही रहेगा क्या? हाँ। अरे 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 अरे, ये सब करते रहेंगे तो फिर काम कब करेंगे? काम काम और काम, काम के अलावा तुम्हें और कुछ सोचता है कि नहीं? और जो मैंने बताया वो सब काम नहीं है क्या? वो सब काम ही है, लेकिन वो सब काम करने के लिए भी ये काम तो करना पड़ेगा ना। तो कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? मेरा पति बीमा का काम करे वो मुझे हरगिज पसंद नहीं। लो बोल लो, इसमें तुम्हें क्या एतराज है? समझ लो, हम कभी कोई मूवी प्लान करें और तुम किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे हो और अगर वो तुम्हें बोले कि मुझे थोड़ा ज्यादा समझाओ और तुम अगर वहीं पे बैठ गए तो मेरा तो घर बैठे बैठे इंटरवल हो जाए ना, और हमारे सुखी संसार का दी एंड। नहीं बाबा नहीं, हमें नहीं करना है बीमा का काम। ये सब बात तो हम बाद में भी सोच सकते हैं ना, अभी ये फ्रूटीस में दूसरी लेके आता हूँ, यहाँ ही बैठा। ओके। LIC. अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अरे आप कौन हो और हमारी बाइक के पास क्या कर रहे हो? रिपेयर कर रहा हूँ।
अच्छे अच्छे को रिपेयर करना जानता हूँ। आप पहचान गया, आप ही रणछोड़ हो ना? मैं रणछोड़? हाँ, आप ही रणछोड़। और हाँ, आज ये कौन सा नया रोल कर रहे हो? मैं रणछोड़ नहीं हूँ। आप रणछोड़ नहीं हो? मैं कहता हूँ रणछोड़ हो मतलब रणछोड़ हो। रणछोड़, क्या बात है, आप ही रणछोड़ हो और मुझे रणछोड़ करके पुकारती हो, ये क्या मुसीबत है? अब मुसीबत, जब बीमा लेना था तो कैसी मिट्टी 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 बातें करते थे, चला सुन सुन के पूरा डायबिटीज हो गया है मुझे। रणछोड़। अरे क्या है, चारों तरफ से मेरे ही नाम की आवाज आ रही है क्या? ये देखो ना, मेरे पीछे ही पड़ गया। रणछोड़ भाई, मेरा कुछ करिए। बे, ये रणछोड़ भाई नहीं है लल्लू। अरे यही रणछोड़ भाई है, आपको क्या पता, बार बार ड्रेस बदलते हैं, टेबल के नीचे घुस जाते हैं, और इसका मानना है कि कष्ट दे दे के मार डालो, इसी को कहते हैं कस्टमर। भाई साहब या बहन जी, जो भी हो, आपका प्रॉब्लम जो है ना वो टेक्निकल है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? अरे भैया, आपके प्रॉब्लम में जो कुछ कर सकते हैं वो आप खुद कर सकते हैं। ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, हम आपके ग्राहक है, सर्विस आपको ही देनी पड़ेगी। अरे भैया, आपका मतलब ये है कि आपकी एक्स वाइफ के हस्बैंड के मुगदल के सामने मैं बॉर्डर पर चला जाऊं? कुछ भी करो, लेकिन मैं रणछोड़ भाई को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ, आप मेरी छाती पर चढ़ बैठिए और कटोरा भर भर के मेरा खून पीजिए। ठीक है, शब्दन। कटोरा कहाँ है? अरे यार, ये तो सच में मेरा खून पिएगा। शबनम भाई, आप यहाँ से जाइए, हम इस विषय पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, रणछोड़ भाई आप कहते हैं ना तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। मैं इसलिए कहती हूँ, हमें नहीं करना ये सब बीमा का काम। डर गई, इतनी छोटी मुसीबत से डर गई। एक सफल बीमा एजेंट की लड़की ये बोल रही है, बड़ा ही अजीब लग रहा है। ये जो महंगे महंगे ड्रेसेस पहनती हो ना, कॉलेज में गाड़ी लेके जाती हो ना, वो सब किसकी बदौलत है? अरे क्या क्वालिफिकेशन थी तुम्हारे डैडी की? मैट्रिक पास का तो बाजार में कोई चने के भाव में भी नहीं लेता है। बात करती हो, बड़ी मुश्किल से तो मेरी गाड़ी पटरी पर चढ़ी है, बड़ा हौसला इकट्ठा करके मुझे इस काम में इंटरेस्ट जगा है, और कहती हो कि बीमा का काम ना करूं। अरे मेरे राजा, नाराज हो गए? ऐसे परी से नाराज नहीं होते। चलो चलो चलो, फ्रूट खाओ।